वालेकुम स्टूडेंट, जमात शिशु मजमून उर्दू में है और उन्वान आपका है आज उर्दू जबान। जिसने शायद मेरा असाइनमेंट आपको उर्दू जबान पर लिखने के लिए भी दिया था दो पैराग्राफ, ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम उर्दू जबान के मुताबिक हम पढ़ेंगे उनके अदीबों के बारे में, उर्दू जबान में कितने कौन कौन से अदीब जो मशहूर हैं और शायरों के बारे में हम पढ़ेंगे इसके, और उसी में से आपको तकरीबन 10 MCQs बनाने हैं। नेक्स्ट हम जब लेक्चर पर पढ़ेंगे सबक उर्दू जबान तो हम उसमें से ज़्यादा MCQs बनाएंगे क्योंकि पेपर में बहुत ज़रूरी है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। तो अभी हम उर्दू जबान के मुताबिक पढ़ेंगे उनके अदीबों और शायरों के बारे में, देखते हैं बुक में। जी, मौजू उर्दू जबान और सफ़ा नंबर है 141, यूनिट नंबर 6। उर्दू का तारीफ इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, हमें एक मुत्तहिद कौम बनकर काम करना है, नज़्म ज़ब्त कायम रखना है और चीज़ों को बेहतर बनाने के जज्बे को काम में लाना है। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ, ये मुसन्निफ़ कह रहा है, देना चाहता हूँ कि सरकारी इस्तेमाल के लिए आप जो ज़बान चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ़ सूबों के आपस के ताल्लुकात के लिए सिर्फ एक ही रियासती ज़बान होगी जो उर्दू और सिर्फ उर्दू होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा 24 मार्च 1948 ढाका यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीम इस्नात के मौके पर कायदे आज़म ने फरमाया था। इतना ये जो मैंने पढ़ा है ये कायदे आज़म का फरमान, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उर्दू के बारे में। उर्दू हमारी कौमी ज़बान होने के साथ साथ हमारी अखलाकी इक़दार और तहजीब की तर्जुमान और नुमाइंदा है। बड़ों के गुफ्तगू और आदाब, मसलन इनके बुलाने पर हाँ के बजाय जी कहना और बड़ों का तस्करा करते हुए है और तुम्हा और था के बजाय हैं और थे का इस्तेमाल इसकी मिसालें हैं। उर्दू के मशहूर अदीबों की एक तवील फहरिस्त है जिनमें से चंद नाम ये हैं: सर सैद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्लामा राशिदुल खैरी, गर्शन चंदर, मुंशी प्रेम चंद, असमत चुगताई, ग़ुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन, अहमद नदीम कासमी। ये वो हैं जो हम उर्दू में नावल भी लिखते हैं, ड्रामे भी लिखते हैं और असबाक वग़ैरह जो हम पढ़ते हैं इनके। मज़ा निगारों की तवील फहरिस्त में पतरस बुखारी, यानी कि जो मज़ाह अंदाज़ में अपनी तहरीरें लिखते हैं, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसफी, शौकत थानवी, शफीकुररहमान, सज्जाद हैदर, यलदर्रम, इबन इंशा, कर्नल मोहम्मद ख़ान शामिल हैं। इसके अलावा शायर देखिए, शोरा में सरफहरिस्त मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, गालिब का नाम तो सब ने ही सुना होगा। मज़ीद शोरा के नाम ये हैं: इब्राहिम ज़ोक, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर अला आबादी, इस्माइल मीठी जो कि बच्चों के मशहूर शायर हैं, मीर दत्त, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जालंधरी, ये शायर हैं। और ये इसलिए मैंने आपको ख़ास तौर पे पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़िएगा कि इनमें से MCQs लाजमी आ सकते हैं कि एक नाम आ गया और आपको बोला ये उर्दू के शायर हैं या नहीं हैं या ये उनके मुतालिक, ठीक है। शायर देखिए, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दा, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बाँ की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप दिल लगा के पढ़िएगा, इसमें से तकरीबन आप 5 MCQs बनाइएगा और आगे मैं बता रही हूँ आपको। ये उर्दू ज़बान उसमें तारुफ था आपका, ये उर्दू ज़बान सबक है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसकी ख़ुद रीडिंग कीजिएगा और 1 पेज में से, यानी कि पेज नंबर 42 में से जितने MCQs आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से, और उसके जो हाँ उसके जो आप ऑप्शन रखते हैं वो बहुत मौसर हों, इधर उधर से नहीं, बहुत उसके मुताबिक हों जो आप MCQs फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हो सके आप 10 से 15 MCQs बहुत दिल लगाकर पढ़कर बनाइएगा, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जब आप टाइटल पेज बनाएंगे तो उर्दू ज़बान जो दिखाई गई है आपको आगे पेज में, उर्दू ज़बान का टाइटल पेज बनाएंगे तो ये मैप ज़रूर बनाइएगा, इसमें बता रहे हैं कि बरसगीर में किस इलाके में उर्दू बोली जाती है, तो ये शो कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा कलर भरिएगा, ज़रूरी नहीं यही भरें अपनी पसंद के, और टाइटल पेज में ज़रूर बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिल लगा के पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।